नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना, अभी लाइक जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं जो भी टॉपिक का फिर नोटिफिकेशन आपको चलाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, बिल्कुल फ्री। चल सुबह शुरू। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा भाग्यांक नंबर 22, लाइफ पाथ नंबर 22, मास्टर बिल्डर नंबर 22 और दोस्तों न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर 22 के बारे में। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक मैंने लाइफ पाथ या फिर दोस्तों भाग्यांक के बारे में बता चुका हूँ। 11 तक मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बता चुका कैसे कैलकुलेट करते हैं भाग्यांक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक डेट है 15/8/1997, 15 को प्लस के तो 6 आया, 8 का 8 ही आया दोस्तों। अब 1997 को प्लस करके 26 आया दोस्तों। 26 को जब मैंने प्लस प्लस किया 2+6, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 8 आया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 8 आया, तो यहाँ पर ले लिया, यहाँ का 8 यहाँ ले लिया, और 26 को जोड़ कर जो 8 आया मैं यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर दोस्तों 22 आ गया। अब देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपका भी नंबर 22 आ रहा है तो आपका मास्टर नंबर या फिर दोस्तों मास्टर बिल्डर नंबर कह लीजिए 22 है। अगर मैं इसको कहूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है। इस नंबर जो पाते हैं दोस्तों, जो भी लाइफ पाथ में या फिर दोस्तों मूलांग में नंबर पाते, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ ना कुछ वजह से इनको मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 8 का 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, 8 से बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों, 4 का 5.5 मल्टीपल टाइम पावरफुल नंबर है दोस्तों। तो समझ लीजिए, 2 झुका हुआ नंबर होता है, अब देख सकते हैं 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। यहाँ पर 2 बार 2 आया, मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ होते हैं दोस्तों, आध्यात्मिक की तरफ होते हैं, मदर लव होता है इनमें, प्यार जो होता है दोस्तों 2 नंबर से ही आता है दोस्तों, प्यार मोहब्बत इस 2 नंबर से आता है दोस्तों। और यहाँ पर 2 मिलकर 4 हो रहा है। 4 नंबर होता है अथॉरिटी पोजीशन का, 4 नंबर होता है दबंग का, दबंग का प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है दोस्तों, लीडरशिप का होता है। तो कहीं ना कहीं सारे क्वालिटीज़ में, इसके साथ साथ दोस्तों 11 जो दोस्तों सूरज सूरज मिलकर एक मिलकर होता है, 11 सूरज सूरज मिलकर यहाँ पर 11 हो रहा है, और दोस्तों 1+2 भी हो रहा है, तो इसका दुगना पावर, 11 का दुगना पावर। यूँ समझ लीजिए, अगर मास्टर नंबर 11 कोई बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, मास्टर नंबर 27 पूरा एक रेसिडेंटल प्लॉट बनाता है, पूरा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता है, जो मास्टर नंबर 11 जो इंट्यूशन पावर होता है इन लोगों के अंदर, इनसे बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 22 को पता होता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। इनका जो सोचने का तरीका होता है दोस्तों, ये औरों से बहुत ज़्यादा अलग होता है, मतलब दोस्तों ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वे पे नहीं चलते, इनका खुद का एक विचारधारा होता है, खुद का एक सोचना होता है, खुद का रूल होता है, नियम होता है। इसी वजह से बहुत लोग इनको समझ नहीं पाते, इसी कारण कभी कभी ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे क्या। यहाँ तक भी देखा गया मास्टर नंबर 11 जो होता है दोस्तों, दूसरों को अपने बात समझा नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनका रूल रेगुलेशन बहुत कड़क होता है। कभी कभी मास्टर नंबर 11 जो बॉस होते हैं ऑफिस में, ये लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, मतलब वर्क अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसके कारण लोग इस तरह से कभी कभी दूर चले जाते हैं। इनको समझना चाहिए कि दूसरों के आइडिया भी अलग होते हैं, उनकी बात भी सुनना चाहिए, नहीं तो ऐसा यहाँ पर ख़राब हो जाता है। इनके पास इंट्यूशन पावर भरपूर है दोस्तों, कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा रूट हो जाते, क्योंकि ये लोग बातें सुनते नहीं, तो हमेशा हमको रूट को कमाना है दोस्तों, रूट कम। इनकी फाइनेंस जो लाइफ होती है दोस्तों, पैसा अर्ली एज में आ नहीं आता है दोस्तों, बाद में आता है, मतलब 35 के बाद 48 के बाद इनके पास भरपूर पैसे आते हैं। ये लोग छोटे मोटे पैसे कमाने वालों में से नहीं होते दोस्तों, ये कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, इनकी लाइफ में मोटिव रहता है कुछ बड़ा करने, क्योंकि नंबर 22 बहुत पावरफुल नंबर होता है। ये करेंगे समाज के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, पैसे की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, स्पिरिचुअल की तरफ आएंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएंगे दोस्तों, मतलब छोटे मोटे नहीं जाएंगे दोस्तों, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए ये लोग आते हैं, क्योंकि नंबर 22 बहुत बड़ा पावरफुल नंबर होता है दोस्तों।
यूँ समझ लीजिए कि इसका खराब प्रभाव रहे दोस्तों, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा नंबर टू का, तो आप समझ जाएंगे आप लोग कोई स्कीम में फंस जाएंगे, गलत स्कीम में। जैसे आपने अपना ATM का पिन नंबर दे दिया, या फिर कोई एक दिन में पैसा दुगना होने का वहाँ पर पैसा लगा दिया, तो आप इस चक्कर में फंसने जाएंगे। तंत्र विद्या का जो गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, नंबर 22 वाले बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल जाता है, और नंबर 4 की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव पावर रहता है। ये भी देखा गया है बहुत लोग अपने इंट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल करने के कारण नंबर 22 का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसके कारण नंबर 24 लोग बिहेव कर रखते हैं, जहाँ पर दोस्तों चंद्रमा चंद्रमा मिलकर सूरज का पावर, चंद्रमा का पावर, शनि का पावर, राहु, इतने सारे प्लैनेट का पावर एक साथ मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी राहु का पावर इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटिट्यूब होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, एनालिसिस करने वाले, हर चीज़ को बारीक से जांचने वाले, अपने एक रूल नियम बनाने वाले, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन होते हैं दोस्तों, अपनी बात को समझाने वाले। यहाँ तक देखा गया है कि ये दो तरीके से काम करते हैं। पहला दोस्तों, ये ऐसा लीडर होते हैं जो चुप करके रहते हैं और अपना सारा काम दूसरे करवा लेते हैं, या फिर दोस्तों ऐसा लीडर होता है जो सामने आकर लोगों के सामने चीख चीख के बोल के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बीच में रहने वाला नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा करेंगे अपना काम करने, इनको पता है कैसे करें कैसे ना करें, इन तरीका अलग होता है। यहाँ पर देखा गया दोस्तों, ये लोग प्यार में बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, बाकी नंबर की तुलना में बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब दोस्तों 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को फ़ोन करेंगे, बताओ तुम कहाँ पर हो, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रूट हो जाते हैं। या फिर दोस्तों नंबर 22 के होने के कारण यहाँ पर रूठने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा यकीन करने लगेंगे अपने पार्टनर की तरफ कि अगर धोखा भी दे तो सामने बोलेगा नहीं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नंबर होता है दोस्तों। इस नंबर से मैं कहता हूँ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ध्यान आएगा, आपको सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये लोग काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और शरीर बीमारियों के ग्रस्त में आ जाता है दोस्तों। तो हमेशा खाने पान पे हमेशा आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एनर्जी को हमेशा फ्लो करना चाहिए, एनर्जी को आप एक साथ आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप शरीर से इतना ज़्यादा काम नहीं कर जितना आप दिमाग से कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, आपके सारे चक्र जो खास करके जो गले में चक्र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपका, तो उसको काम में लाइए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको आपके जो कर्म है उसका फल में। देखिए नंबर 11 जिनको मिलता है वो पास लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कुछ खाइस रहता है तो इस जन्म में उनको पूरा करते हैं। नंबर 22 इसका अल्टा वर्षन कह सकते हैं, इसका दिखना पावरफुल होता है दोस्तों, आप वजह से उस वजह को ढूंढिए, उस वजह को पूरा कीजिए। आप मेटीरियल से तरफ जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आप एक सडन एज के बाद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, पैसे हाथ में आएगा बहुत कुछ, या फिर दोस्तों आप समाज की तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। 22 को देंगे बहुत सारे मैनेजबल होते हैं, तो मैनेज करना जानते हैं, तो ये लोग हमेशा पॉलिटिक्स में कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि नंबर 4 के इन्फ्लुएंस में तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो कहेंगे पॉलिटिक्स में ये लोग छुपा रुस्तम होता है, मतलब सामने कोई और बंदा काम करेगा लेकिन पीछे से ये लोग बहुत कुछ कर जाएंगे उस बंदे के लिए। जैसे दोस्तों हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में अभी बहुत, जैसे अमित शाह का 22 का जन्म हुआ है दोस्तों, तो अमित शाह भी 22 से रोल होता है, तो आप इनको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, जिसके वजह से इनके पास बहुत शाद्य दिमाग है दोस्तों। तो नंबर 22 इतना पावरफुल दिमाग देता है, लोग सोचते हैं कोई काम एक दिन में होता है, लेकिन ये लोग साल भर महीने से लेकर साल तक काम करते हैं, कि एक थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया होते हैं, एनालाइज से बहुत बढ़िया काम करते, मतलब एक दिन में काम नहीं करते लोग, सारे रात जाग जाग के काम करने वाले होते हैं, इतना ज़्यादा काम करने में यकीन रखते हैं दोस्तों। इनको अगर पता चल जाए इनके मकसद क्या है क्या करना है, तो ये लोग बहुत कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, लोगों की मदद भी करनी है, और अपने आपको पहचानना है, अपना का जो बातें हैं दोस्तों आपके दिल में, उस बातों को लोगों को समझाना है, रूट तरीके से नहीं सही तरीके से, क्योंकि एक होता है कि आपने क्यों नहीं किया, आप एक होता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, बातों का तरीका अलग होता है लोगों को समझाने का, तो आप लोगों को समझाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका राहु का इन्फ्लुएंस कम करना है यहाँ पर, और मून चंद्रमा सूरज सैटर्न का पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगा लाइफ में। तो कोशिश कीजिए अपनी बातों को कंट्रोल करने के लिए, कि ये बात बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर बातों का कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं तो आपके इष्ट देव की पूजा कीजिए, तो इष्ट देव आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, मेडिटेशन से बढ़िया उपाय आपके लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते, और मेरा वीडियो बहुत शुक्रिया, बाकी वीडियो देखते रहना।